कार्स, बसेस और प्लेन्स कैसे चलते हैं? क्या आपको कोई आइडिया है? क्या आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है, या हम फूड कैसे कुक करते हैं, या पानी कैसे गर्म होता है? कोल, ऑयल और गैस जैसे फॉसिल फ्यूल्स एनर्जी के बड़े रिसोर्सेज हैं। ये यूनिक और हाई एनर्जी फ्यूल्स एनर्जी के नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। फॉसिल फ्यूल्स कई स्टेप्स के एक लंबे प्रोसेस के बाद बनते हैं। करीब 2 अरब साल पहले एल्गी और माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स, प्लांट्स जैसे मरीन ऑर्गेनिजम्स की डेथ होने से ये ओशन की फ्लोर पे सेटल हो गए। सेडिमेंट्स यानी तलछटों के नीचे ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये डेड मरीन ऑर्गेनिजम्स कैरोजिन में बदल गए। हीट और प्रेशर बढ़ने से कैरोजिन ऑयल और गैस में बदल गया। इस पूरे प्रोसेस में कम से कम 1 मिलियन ईयर्स का समय लगता है। मॉलिक्यूलर लेवल पे ऑयल और गैस हाइड्रोजन और कार्बन एटम से बने हुए हाइड्रोकार्बन्स हैं। अर्थ क्रस्ट के कांस्टेंट प्रेशर और मूवमेंट के कारण ऑयल और गैस रॉक्स के पोर्स से होता हुआ बाहर आ जाता है। कई बार तो जमीन और पानी से भी इसका रिसाव देखने को मिलता है। ये रॉक्स की इम्परमिएबल यानी अभेद्य परतों के नीचे इकट्ठा होकर ऑयल और गैस के बड़े बड़े रिजर्वायर बनाता है। ये रिजर्वायर्स किसी सिटी जितने बड़े हो सकते हैं। ऑयल और गैस रिजर्वायर्स का पता लगाने के लिए जियोलॉजिस्ट सीस्मिक सर्वे, ग्रेविटेशनल सर्वे और जियोलॉजिकल मैपिंग जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। सीस्मिक सर्वे टेक्नोलॉजी में अर्थ इंटीरियर के 3 डायमेंशनल व्यू के लिए साउंड वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। रॉक स्ट्रक्चर्स के 4 डायमेंशनल प्रोजेक्शन और सोफेस्टिकेटेड ग्राफिक रेंडरिंग्स जैसी नई टेक्नोलॉजीज की मदद से ऑयल और गैस रिजर्वायर्स को इजीली और एक्यूरेटली डिटेक्ट किया जा सकता है। एनर्जी के जिन रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन डिफिकल्ट या एक्सपेंसिव होता है उन्हें अनकन्वेंशनल ऑयल और गैस कहा जाता है। लिमिटेड अनकन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज ने लोगों को इसके इफिशियंट टैपिंग यानी दक्षतापूर्ण दोहन के लिए मजबूर किया है। साथ ही अनकन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे भी काम शुरू हो चुका है। वैसे आपको क्या लगता है, फ्यूचर के एनर्जी सोर्सेज क्या होंगे?